वो घर पहुंचा तो मीना टेबल पर खाना लगा रही थी। माहिर को देखकर इसके चेहरे पर मुस्कुराहट आई, जिसे देखकर माहिर को अपने जिस्म में सुकून की लहर दौड़ती महसूस हुई। अपना कोट सोफे पर फेंक कर वो सीधा मीना के पास पहुंचा, इसकी कमर में हाथ डालकर इसे खुद से लगाया, इसके माथे पर अपना लम्स छोड़ा। आई मिस यू सो मच। मीना ने अभी अपनी बाहों का सहार इसके गिद बांधा के सर माहिर के सीने से टिका दिया। जब इसने उमर शिराजी की मौत की खबर सुनी तो इसकी बहन का बयान सुनकर सुकून महसूस किया। किसका कहना था, घर पर चोर घुस आए थे, फिर इनकी उमर शिराजी से हाथापाई हुई थी जिसके दौरान इसका कत्ल हो गया। वरना मीना को शक माहिर पर गया था, वो भी तो रात को गायब था। लेकिन जब वक्फे वक्फे से इसे बाकी लोगों के कत्ल की खबरें सुनी तो इसे यकीन आ गया था। इससे पहले वो माहिर से पूछती रात माहिर लेट आया, हमेशा की तरह गेस्ट रूम में गया, लेकिन मीना इस दिन जाग रही थी। जब वो इसके पीछे रूम में गई और इसे खून से भरे कपड़ों में देखा तो अपने हवास खो बैठी, जिसके बाद माहिर के लिए काफी मुश्किल हो गया था इसे संभालना। लेकिन जिस बात की मीना को ज्यादा तकलीफ थी वो ये थी कि माहिर को पुलिस ले गई थी, फिर जिस पर माहिर ने इसे यकीन दिलाया ऐसा कुछ नहीं होगा। इन 3 साल में वो माहिर को इसका हक नहीं दे सकी थी, वजह इसका डिप्रेशन में चले जाना था। वो खुद को नुकसान पहुंचाने लगी थी, वो जितना नॉर्मल खुद को शो करवाती थी इतना भी नहीं थी, क्योंकि वो इस बात का भी खुद को कसूरवार समझती थी कि माहिर इसकी वजह से कातिल बना। लेकिन माहिर ने हिम्मत से काम लेकर आहिस्ता आहिस्ता नॉर्मल करने में कामयाब हुआ। इसी दौरान जब इसकी तबीयत ज्यादा बिगड़ी तब ध्यान बटाने को माहिर ने दिया से बात करवा दी और इसे बताया कि इमरजेंसी में शादी करनी पड़ी। जब माहिर घर नहीं होता तो वो दिया और फजल से बातें कर लेती थी। भूख नहीं है मुझे, कमरे में चलिए, माहिर ने मीना का हाथ अपने हाथ में थाम कर कहा, जिसकी उंगली पर कट का निशान था जो ब्लेड के पकड़ने की वजह से था, जिससे माहिर को अंदाजा हो गया था कि आज फिर खुद को नुकसान पहुंचाया गया होगा। मीना ने अपनी थोड़ी माहिर के सीने पर टका कर सर उठाकर माहिर की तरफ देखा। मुझे नहीं भूख, मीना की बात पर माहिर के चेहरे पर मुस्कुराहट आई। लेकिन मेरा मीठा खाने को दिल कर रहा है ना, माहिर ने अपना अंगूठा मीना के होंठों पर फेरते हुए कहा, जिस पर मीना ने शर्माकर अपना सर झुका लिया। ऐसे नहीं चलेगा मिसिस माहिर, इसका चेहरा ऊपर को उठाया। मीना का चेहरा इसकी नजरों की तपिश से टमटमा रहा था। माहिर बेखुद होता इसके होंठों पर झुका तो मीना ने अपनी बाहों को माहिर की गर्दन के गिर्द लपेट दिया। मीना की पेश कदमी पर माहिर ने इसे कमर से थामकर अपने करीब कर लिया। मीना को कमर से थामकर माहिर ने इसे टेबल पर बैठाया, आहिस्ता से अपने लबों का जुदा किया, अपना सर मीना के सर के साथ टकाकर आंखें मूंद ली। मीना माहिर के कॉलर को थामे अपनी बेतरतीब होती सांसों को संभाल रही थी, जबकि माहिर की भारी सांसें और इसकी तपश से अपने चेहरे पर महसूस हो रही थी। कुछ देर ऐसे मीना को महसूस करने के बाद माहिर ने इसे अपनी बाहों में उठा लिया, जिस पर मीना ने गड़बड़ाकर माहिर को देखा तो आंखों में तपश लिए इसे ही देख रहा था। तो मीना ने अपनी पलकों को झुका लिया, जिस पर माहिर ने झुककर इसके माथे पर अपना लम्स छोड़ा और सीढ़ियां चढ़ता इसे रूम में आया। पांव की ठोकर से दरवाजा बंद करके वो मीना को लिए बेड के पास आया, आराम से इसे बेड पर बैठाकर वापस जाकर दरवाजा बंद किया। मीना अपने दिल पर हाथ रखे अपनी बेतरतीब हुई धड़कनों को महसूस कर रही थी, जब कमरे में एकदम अंधेरा छाया। सर उठाकर देखा, माहिर कहाँ है आप? अभी मीना वहाँ से उठती कि पीछे से माहिर ने अपने हसार में लिया। मैं यही हूँ। जिंदगी, मीना के बाल एक साइड पर करके माहिर ने ठोड़ी इसके कंधे पर टकाई। मुझे डर लग रहा है माहिर, लाइट ऑन करें। माहिर का हसार तोड़ने की कोशिश करते मीना ने कहा, जबकि माहिर इसे ऐसे हसार में लिए पीछे को नीम दराज हो गया। क्या मेरी कुर्बत में भी इतना सुकून नहीं कि वो तुम्हारे डर पर हावी हो जाए? मन्नो, माहिर ने जज्बात से चूर लहजे में सरगोशी की तो मीना के जिस्म एक सर्द लहर दौड़ गई। मीना ने खामोशी से करवट बदल कर माहिर के सीने पर मुंह छुपा लिया, जिस पर माहिर के होंठों पर एक जानदार मुस्कुराहट आई। अपना असर मीना के गिर तंग कर लिया और आहिस्ता से अपने लब इसके बालों पर टका दिए। थोड़ी देर बाद मीना की भारी होती सांसों को महसूस करके से यकीन हो गया कि वो सो चुकी है। तब माहिर खामोशी से उठकर ड्रेसिंग रूम में गया, कबर्ड खोलकर फर्स्ट एड बॉक्स निकाला, जख्मों पर लगाने वाली ट्यूब लेकर मीना के करीब आकर बैठा, अपने मोबाइल की टॉर्च ऑन कर बेड पर मोबाइल रख दिया। अब बगौर मीना का चेहरा देख रहा था, जिस पर वो दुनिया जहान की मासूमियत समाये सो रही थी। माहिर की आंखों में वो लम्हा आ बसा जब इसे पहली बार देखा था। जैसे जैसे वो करीब आ रही थी, माहिर को इसका हर कदम अपने दिल पर पड़ता महसूस हुआ था। वो पूरे हक से इसके दिल पर बरजमान हो चुकी थी।
माहिर को अंदाजा ही नहीं हुआ कब वो दिल से इसकी रगों तक बस चुकी थी। मीना के बिना शायद वो सांस भी ना ले सके। माहिर ने ट्राउजर को मीना की बंडेलियों से ऊपर किया और वहाँ नया कोई निशान नहीं था। दोनों टांगों को देखने के बाद इसने दाया बाजू देखा लेकिन वहाँ भी नहीं था। जब इसने बाएं बाजू से कपड़ा हटाया तो कूहनी के नीचे लेकर हाथ से थोड़ा ऊपर तक बेशुमार छोटे मगर गहरे कट थे जिन्हें देख माहिर की आंख एकदम से नम हुई थी। झुककर आहिस्ता से निशानों पर अपने लब रखे फिर ट्यूब लगाकर लाइट ऑफ की। कुछ देर अंधेरे में देखने के बाद हाथ बढ़ाकर मीना को अपने हसार में लिया। नींद तो शायद नहीं आनी थी लेकिन मीना की कुर्बत में सुकून जरूर मिल जाता था। अब भी इसी सुकून को महसूस करते सोने की कोशिश की। दिया को घर जोड़ने के बाद वो रजा को लिए इसी जगह पर वापस आया तो क्या बताया इसने। रजा ने लाश की तरफ देखकर इशारा किया वही जो हमेशा होता है कोई बिजनेसमैन है इस काम के पीछे। दुनिया के सामने आम इंसान हकीकत में एक दरिंदा। शामी ने हकारत से कहा जिस पर रजा ने सर झटका। प्लान क्या है रजा ने सफसार किया जिस पर शामी ने आईब्रो झुकाकर से देखा जिसे वो बता देगा। शामीर के देखने पर रजा ने दांत कचकचा कर इसे देखा अगर नहीं बताना था तो मुझे साथ क्यों इन्वॉल्व किया। अच्छी भली छुट्टियां गुजरनी थी अब वो भी तुम्हारे इस केस की नज़र हो जानी है। टाइम पास करने के लिए जो काम मेरे करने के नहीं होंगे वो तुम करोगे जैसे इस लाश को ठिकाने लगाना। शामीर ने कंधे झुका कर जवाब दिया तो रजा ने इसे घूर कर देखा। घूर क्या रहे हो जब पता ही है कि रोते धोते तुमने ही ये काम करना है तो इसका फायदा। शामी ने वहाँ पड़ी चेयर पर झूलते जवाब दिया तो रजा ने झुककर लाश का चेहरा आगे पीछे करके देखा जिसका वो सत्यानाश कर चुका था। रजा के झुकने पर इसकी शर्ट का गला नीचे को हुआ तो शामीर की तेज नजरों ने इस वक्त वो निशान देख लिए। एक सेकंड का अमल था लेकिन शामीर की आंखों से पोशीदा न रह सका। एकदम से चेयर से उठकर रजा के करीब आया। शामीर के अपने पास आने पर रजा ने सर उठाकर इसे देखा जैसे पूछना चाह रहा हो अब क्या हुआ लेकिन वो एकदम से भौंकचा रह गया जब शामीर ने इसकी शर्ट को गले से नीचे करना चाहा। रजा ने गड़बड़ाकर शामीर के हाथों को पकड़ा। क्या करो दिमाग खराब है क्या तुम्हारा अगर हो भी गया तो मेरा नहीं हुआ मैं ऐसा सोच भी नहीं सकता। तुम मेरी इज्जत के साथ नहीं खेल सकते। अभी रजा अपनी बकवास जारी रखता के मुंह पर पड़ने वाले मुक्के से इसकी बोलती बंद हो गई। गधे में देख रहा हूँ तू अपनी इज्जत किसके पास लुटा कर आया है दिखा मुझे जरा। शामीर ने फिर से कॉलर पकड़ना चाहा लेकिन रजा नीचे को झुक गया। देखो मीर यार ये पर्सनल है तुम ऐसे नहीं कर सकते रजा ने मिन्नत भरे अंदाज में कहा। अगर वो देख लेता तो सारी उम्र इसका रिकार्ड लगाना था लेकिन शामीर ने एक ही जस में इस तक पहुँचा। रजा के दोनों बाजू से पकड़ के पीछे लॉक किया अगले हाथ से इसका कॉलर खींचा जिस पर इसके बटन टूटते चले गए और निशान वाज़ेह हुए जिन्हें देखकर शामीर के कहके इस खौफनाक कमरे में गूंजे तो रजा की रोने जैसी शक्ल हो गई। शामीर उठकर रजा को देखकर मुसलसल कहके लगा रहा था जिस कमरे में जीव खौफनाक सा मंजर पेश कर रहे थे। रजा को वो सच में जिन ही लगा था खून पीने वाला जिन। ये जायज निशान है मेरी बीवी को मोहब्बत ही बहुत है मुझसे रजा ने अपना भरम रखने को कहा जिस पर शामीर ने ताली बजाई। जी बिल्कुल यकीन हो गया मुझे शामीर ने तंजन कहा जिस पर रजा वहाँ से बाहर निकलता चला गया। वरना जितनी देर वो वहाँ रहता वो इसका मजाक बनाने से बास ना आता। तुम सुबह सुबह कहाँ जा रही हो फजा ने दिया को तैयार होते देखकर कहा। मैं नहीं तुम भी जा रही हो दिया ने अपनी लिप ग्लोस लगाकर जवाब दिया। फजर हैरान हुई क्या मतलब हम कहाँ जाएंगे। फजर की हैरत से सफसार करने पर दिया ने खा जाने वाली नजरों से इसे देखा। दिमाग भी अपना क्या इस बंदर को दे आई हो। नहीं नहीं रजा के जिक्र पर वो एकदम से गड़बड़ा गई। घर जाना है भाई के पास मीना से भी तो मिलना है ना और एक सरप्राइज भी है दिया ने बैग में अपना सामान रखते हुए कहा तो फजर ने भी ड्रेसिंग की तरफ दौड़ लगाई अपना बैग घसीट कर लाई। अब इसमें पटक पटक कर चीजें रख रही थी। तुम तो बहुत सेल्फिश हो दिया खुद तैयार हो गई हो और मुझे टाइम पर बता रही हो फजर ने मुंह बनाकर कहा तो दिया ने अपनी मुस्कुराहट छुपाई। सरप्राइज क्या है फजर सरप्राइज वाली बात याद कर बोली वो तो अभी जाकर ही पता लगेगा अब जल्दी आ जाना मैं नीचे वेट कर रही हूँ। दिया अपना बैग नीचे लेगी जबकि फजर मुंह बनाकर पैकिंग करने लगी। मैं छोड़ आता हूँ तुम लोगों को फारस ने दिया के जाने की बात सुनकर कहा। नहीं हम अकेले जाना चाहती हैं अगर भाई डांटे भी तो हमारी इज्जत अफजाई होते तुम ना देख सको दिया ने टालते हुए कहा। अगर फारस वहीं रुक जाता शामीर देख लेता तो एक नई मुसीबत बन जानी थी।
वैसे कहो कि नहीं लेकर जाना, फारस ने तो मजाक में कहा, लेकिन दिया सच में गड़बड़ा गई। नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं, तुम कल आ जाना, दिया ने जल्दी से कहा, कहीं इसको झूठ पकड़ा ही न जाए। वो ठीक ही तो कह रही थी, हम कल चले जाएंगे, मुझे आज एक काम है, इस सिलसिले में मुझे जाना है, तुम भी साथ चलना, हमाद ने फारस और दिया की गुफ्तगू में मुदाखलत करते हुए कहा। तो फारस ने सर हिला दिया, दिया जबकि सुख का सांस लिया। फजर को आता देख कर दिया अपनी कुर्सी से उठी, ओके भाई हम चलते हैं। अब दिया ने हमाद की तरफ देख कर कहा और साथ ही फजर को बाहर चलने का इशारा किया, जिस पर फजर हमाद और फारस को खुदा हाफिज कहकर अपना बैग लेकर बाहर की जानब चलेगी। ठीक है, ख्याल रखना अपना और कल परसों तक हम भी चक्कर लगाएंगे। शामीर घर आया तो इसे निदा बेगम इमरान साहब लॉन्च में बैठे नजर आए। निदा बेगम की जैसे नजर शामीर पर पड़ी, वो तो रोते हुए इसके गले लग गई। कैसी हैं आप चच्ची, अपने बेटे को देख लिया, आप ठीक हो? उन्होंने शामीर की पेशानी चूम कर कहा। तो वो सोफे पर आकर बैठ गया। सामने इमरान साहब अपने मोबाइल में मसरूफ थे, जैसे इनके अलावा वहाँ कोई और हो ही ना, जबकि निदा बेगम इन्हें घूर रही थी, जिन्हें कोई परवाह नहीं थी बेटा इतनी देर बाद घर आया। शामीर ने अपना रुख निदा बेगम की तरफ किया, अपना बाजू इनके कंधे पर फैलाकर, चच्ची आपसे बात करनी थी, वो इतनी शीरी लहजे में बोला कि निदा बेगम बारी सदके हो गई। जबकि इमरान चुपके से इसकी तरफ देखते, इन्हें पता था कि कोई मतलब ही होगा इस जाहिल के पास। मेरा बेटा एक क्या सौ बातें करो, हम तुम्हारी नहीं सुनेंगे तो किसकी सुनेंगे, उन्होंने नम आंखों से कहा। शमीर इन्हें देख कर होले से मुस्कुराया, कितनी कमजोर हो गई थी वो, बेटियों का गम कितना बड़ा था, लेकिन फिर भी वो शमीर को कभी माँ की कमी महसूस नहीं होने देती थी। वो दरअसल आपके लिए बहू ढूंढ ली है, आज रिश्ता लेकर जाना है। अभी शमीर बात मुकम्मल करता, इमरान साहब भड़क पड़े। देखा देखा बेगम, तुमने जो बहू पसंद करके आया तो बता रहा है, मुझे तो हैरत है इसने शादी करके क्यों नहीं बताया, साथ एक दो बच्चे लाता और लाकर कहता बहू आपके लिए ले आया हूँ। एकदम खड़े होकर घर से कि निदा बेगम तो डर गई। अलबत्ता शामिर वैसे ही होंठों पर हाथ की मुट्ठी रखे इन्हें देख रहा था, जैसे बहुत दिलचस्प मूवी लगी हो। शामिर ने ऐसे देखने पर वो जज्बस्ते हुए, लेकिन गुस्से वाले तासरत हनूस चेहरे पर सजाए रखे। अब देखो बेशरम देख कैसे रहा है, अब फूटो भी कुछ के, लड़की कहाँ की है, घर बार कैसा है, ये किसी जंगल से उठा लाए हो, वो फिर से भड़क कर बोले। तो शामीर आहिस्ता से उठकर छोटे छोटे कदम लेता इनके पास आकर खड़ा हुआ, जबकि इमरान साहब का अब भी दिल होल रहा था। अब तो इनका दिल इतना नाजुक था कि बर्तन की चम्मच की आवाज से भी कांप जाता था। अगर इसने आज फिर से कुछ कर दिया तो इन्हें तो अगला मौका भी नहीं मिलेगा। अभी वो कुछ समझते कि शामीर ने इन्हें अपनी बाहों में भरकर जमीन से ऊपर उठा लिया। आई लव यू सो मच चाचू, शामीर के ऐसे रद्द अमल पर वो हैरान होते चिल्लाए, छोड़ो मुझे जाहल डंगर इंसान, मेरी पसलियां टूट जानी है। जबकि निदा बेगम मुस्कुराते हुए किचन में चलेगी, जबकि शामीर ने जमीन पर खड़ा किया तो वो हांफ रहे थे, लेकिन इन्हें गले लगाए रखा। ऐसे कितना जानते हैं ना आप मुझे, शामीर ने सरगोशी की तो वह हैरान हुए। क्या मतलब है, उन्होंने बेचैनी से सफसार किया, कहीं सच में तो बच्चे पैदा कर नहीं रखे? हाँ मेरे मासूम चाचा, मतलब ये है आपकी पेशी गोई थोड़ी गलत, बाकी ठीक थी। शामीर ने वैसे फिर सरगोशी की तो उन्होंने दांत पीस कर पीछे हटकर बकवास करो क्या कहना है, उन्होंने इसे पीछे करना चाहा, लेकिन वो ढूंढो की तरह वैसे ही चिपका रहा। नहीं मुझे शर्म आएगी बताते हुए, ऐसे ही बताता हूँ, मैं सोच रहा था डायरेक्ट बलीमा कर लेते हैं। क्या बकवास कर रहे हो, बलीमा क्या निकाह से पहले कर ले, पढ़े लिखे जाहिल इंसान, उन्होंने वैसे ही दबी दबी आवाज में चीख कर कहा, क्योंकि वो नहीं चाहते थे निदा बेगम से नहीं, और फिर इन पर इल्जाम लगाया कि हम इनके बेटे से प्यार नहीं करते। हाँ मैंने कहा कि आपकी आधी पेशेगोई ठीक थी, आपको दादा तो नहीं बनाया अभी, लेकिन जल्द ही बन जाएंगे क्योंकि शादी और गोल्डन नाइट मना कर आ रहा हूँ। शामीर की इतनी बेशर्मी पर इनका चेहरा एकदम से सुर्ख हुआ, वो तो शुक्र था इस बेशर्म ने वाकई ये बात इनके मुंह पर नहीं की, वरना इसे तो शर्म आती या ना आती, वो खुद नजरे कैसे मिलाते अपनी बात कहकर वो वहीं छोड़कर अपने कमरे की तरफ चला गया। ये आपका चेहरा इतना लाल क्यों हो रहा है, निदा बेगम जब किचन से आई तो इनका इतना सुर्ख चेहरा देखकर फिक्रमंदी से पूछ बैठी। अपने भाई की जल्दी दुनिया से जाने पर रब की मसलियत अब समझ आई, वो अपने गुनाह याद कर रहा था जिसकी ऐसी सजा मिल रही है, उन्होंने अपने कमरे की तरफ जाते हुए कहा। जबकि निदा बेगम हैरान परेशान की इनकी पीठ देख रही थी, फिर सर झटक कर शामीर के कमरे में चले गई ताकि इसे खाने के लिए बुला सके।
दिया और फजर घर पहुंची तो माहिर घर नहीं था, जबकि वो मीना के साथ बैठी इतने सालों की इकट्ठी हुई बातें करने में मसरूफ थी। यार मीना, इतना टाइम हो गया शादी को, हमें खाला कब बनाओगी? यार बहुत दिल करता है कोई छोटा सा बेबी आए और फिर हम इसके साथ खेलूं। फजर ने मीना का रूम देखते हुए कहा। वह जब से आई थी कभी एक चीज लेकर बैठ जाती और इसकी तारीफ में जमीन आसमान एक कर देती। इसे सच में माहिर की च्वाइस बहुत पसंद आई थी, लेकिन फजर की बात पर मीना के चेहरे पर एकदम साया लहरा कर गुजरा था। दिया ने मीना की फक होती शक्ल देखी, फजर को टोकना चाहा जो दूसरी तरफ मुंह किए अपनी हांके जा रही थी। तुम्हें नहीं पता मेरा भाई बहुत शिद्दत पसंद है, अपनी मोहब्बत में शराकत नहीं बर्दाश्त कर सकता, इसीलिए वो बेबी प्लान नहीं कर रहा होगा ताकि अपनी मिसेस के साथ ज्यादा से ज्यादा टाइम स्पेंड कर सके। दिया ने फजर की बात का असर जायल करने को कहा, लेकिन वो नहीं जानती थी कि मनजाने में से फिर से तकलीफ दे गई है। शराकत की बात पर मीना की आंखों के सामने अपना खौफनाक मासी घूम गया। बामुश्किल अपने आंसू पर बंद बांध कर दिया की बात पर इसने सर हिलाया और फिर वहां से उठ गई। मीना यार, भाई को मना लेना, तुम सब बता तो चुकी हूँ और शामिर का तुम्हें पता है ना कितना जज्बाती है, तो प्लीज कोई सेटिंग कर देना, दिया ने पीछे से मीना को हसार में लेकर कहा तो वो मुस्कुरा दी। और अगर तुम्हारे भाई ने मेरी भी ना मानी? तुम्हारी कोई बात वो रद्द कर ही नहीं सकते, दिया पुर यकीन लहजे में कहा तो मीना को अनजानी सी खुशी हुई। वाकई वो शख्स इतनी मोहब्बत करता था इससे, मैं मना लूंगी, तुम फिक्र ना करो। अब फजर तुम अपनी मम्मा से बात करो यार, इन्हें मनाओ, दिया के साथ तुम्हारी भी रुखसती हो जाए तो कोई मसला नहीं होगा। मीना ने फजर से कहा, मैं रजा से बात कर लूँ पहले कि वो अपनी फैमिली से बात कर ले, फिर मम्मा से बात करती हूँ, फजर ने गड़बड़ाकर जवाब दिया तो मीना ने इसे घूरी से नवाजा। तभी कमरे का दरवाजा खुला, माहिर अंदर आया। माहिर को अंदर देखकर मीना के चेहरे पर खूबसूरत मुस्कुराहट ने हाथा किया, जिसे फजर और दिया ने देखकर दिल में माशाल्लाह बोला, लेकिन माहिर दिया को देखकर सर तासरत लिए वॉशरूम में चला गया। तो दिया ने बेबसी से मीना की तरफ देखा, जिसने इशारे से सब ठीक होगा कहा। हम जाते हैं, तुम भाई को मना लेना, दिया फजर का हाथ पकड़कर बाहर ले गई। माहिर गुस्से में वॉशरूम तो आ गया था, लेकिन कपड़े तो गुस्से में लाया ही नहीं। मीना, मेरे कपड़े पकड़ाओ यार, माहिर ने आवाज देकर मीना से कहा तो वो जल्दी से अपनी जगह से उठी। जी जी मैं देती हूँ, मीना ने जल्दी से जवाब दिया, कबड़ की तरफ बढ़ी। माहिर ने बाहर सिर्फ मीना की मौजूदगी महसूस करके सर बाहर निकाल कर देखा तो वाकई फजर दिया चले गए थे, जिस पर इसके चेहरे पर मुस्कुराहट आई। ये ले माहिर, मीना ने हाथ अंदर करके कपड़े पकड़ाने चाहे, जब माहिर ने इसकी कलाई से पकड़कर अंदर खींच लिया। मीना इस अचानक अफात पर पहुँच कर रह गई, जबकि माहिर अब मीना की कमर में अपना सर तंग कर चुका था। जब मीना ने बुखलाकर इसके सीने पर हाथ रखकर पीछे करना चाहा, लेकिन इसे शर्टलेस देखकर सख्ती से अपनी आंखें बंद कर ली, जिस पर माहिर ने अपना हसार बिल्कुल तंग कर दिया। मीना बिल्कुल इसके सीने से जा लगी। मीना की गर्म सांसों का उतार चढ़ाव माहिर को अपने सीने पर महसूस हो रहा था, जबकि मीना माहिर की गर्म सांसों की तपश अपनी गर्दन की जिल पर महसूस कर रही थी। आंखें खोलो मीना, माहिर ने संजीदा आवाज में कहा तो मीना ने और भी सख्ती से बंद कर लिए। अगर तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारी दोस्त की बात मान जाऊं तो आंखें खोलो। माहिर की बात पर झट से मीना ने आंखें खोली तो माहिर के चेहरे पर मुस्कुराहट रिंग गई। आप मान जाए ना, वो बहुत खुश रहेगी, माहिर मीना ने हिम्मत करके इसकी आंखों में देखते हुए कहा। और हम कब खुश होंगे जिंदगी, तुम्हें एहसास है कि हम इतने पास होकर भी कितने दूर हैं? तुम्हें इनकी मोहब्बत खुशी की परवाह है और मेरी मोहब्बत मेरी खुशी, हम कब तक ऐसे अधूरे रहेंगे? कभी कभी मुझे लगता है मैं तुम्हें पाकर भी खो चुका हूँ मीना, मुझे हमारा ये अधूरा रिश्ता अंदर से मार रहा है। माहिर की बात पर मीना ने जल्दी से अपना हाथ इसके होंठों पर रख दिया, जिस पर माहिर ने अपना शिद्दत भरा लम्स छोड़कर इसके हाथ को अपने सीने के दिल के मुकाम पर रखकर अपने हाथ में कैद कर लिया। मीना का हाथ कांप गया, जिसे माहिर ने भी महसूस किया था। मुझे डर लगता है माहिर, मुझे लगता है मैं भीगी आवाज पर काबू पाकर बात जारी रखी। माहिर भी चाहता था कि अपने दिल की बातें इससे करे, तभी बोलने दिया, मुझे लगता है आपको खो दूंगी, मैं मर जाऊंगी। माहिर वो एकदम से सिसक पड़ी तो माहिर ने सख्ती से अपने होंठ भींच लिए। इधर तो मीना, मैंने कहा मेरी तरफ देखो, माहिर ने सर्द आवाज में कहकर मीना का चेहरा अपने हाथों में भरा। तुम कभी मुझे नहीं खो सकती माहिर शाह, पहले दिन से तुम्हारा था और क्यामत तक तुम्हारा ही रहेगा। मौत पर रोज नहीं आती, लेकिन तुम्हें इतना यकीन होना चाहिए मुझ पर, अगर कभी तुम्हारा दिल न धड़का तो सांसें मैं भी नहीं ले सकूंगा।
तुम्हें लगता है कि तुम मर जाओगी और मैं ये खबर सुनकर गम से निढाल होऊंगा? तो मेरा वादा है तुमसे, मैं खबर से पहले तुम तक पहुंच जाऊंगा। वो इतनी शिद्दत से बोला कि मीना को अपना रोमा रोमा कांपता महसूस हुआ। अपनी बात कहकर मीना की गेंद से अपने हसार खत्म करके पीट करके खड़ा हो गया। अपने इश्तलाल पर बाप मुश्किल काबू पाया कि मीना के मुंह से मरने का सुनकर इसे अपना दम घुटता महसूस हुआ। और सच ही तो था, वो मौत से लड़ सकता था शायद नहीं, और वो इसे कोई झूठी तसल्ली नहीं देना चाहता था, लेकिन इसे यकीन था वो इसके बगैर जिंदा नहीं रह पाएगा। अभी भी इन सोचों में गुम था कि इसे अपने सीने पर नरम गर्म हाथों का लम्स महसूस हुआ। माहिर ने चौंक कर देखा तो मीना ने अपने कमजोर सा हसार इसके गिद बांधा था, सर इसकी पीठ से टिका दिया। एक खुशी की लहर महर को अपने रगों पे में सरियत करती महसूस हुई। अगर आप मान जाएंगे तो बदले में आपको मिसिज मीना माहिर शाह मिलेगी, मंजूर है? मीना ने सरगोशी में कम आवाज में कहा। अगर माहिर का सारा ध्यान इसकी तरफ ना होता तो शायद वो सुन भी ना पाता। माहिर ने पलट कर इसे अपने हसार में कैद करके एकदम से मीना की सांसों से अपनी सांसें उलझा दी। मीना की सांसों की खुशबू को पूरी शिद्दत से वो खुद में जज़्ब करने की कोशिश कर रहा था, जबकि मीना ने अपने हाथ माहिर के कंधों पर रख दिए। जब माहिर काफी देर दूर ना हुआ तो मीना ने अपने नाजुक हाथों से इसके कंधों पर मुक्के बरसाए, लेकिन वो तो जैसे बरसों की प्यास बुझाने में मसरूफ था। अपनी मनमानी करने के बाद माहिर पीछे हटा तो मीना ने अपना सर इसके कंधों से टिका दिया, जबकि माहिर इसकी पीठ सुलहा कर इसकी बेतरतीब हुई सांसों को हमवार कर रहा था, जबकि होंठों पर ना खत्म होने वाली मुस्कुराहट थी। मीना ने एकदम से माहिर का हसार तोड़कर पीछे किया। ये सब मान जाने के बाद कहा था, आप तो अभी से शुरू हो गए, मीना बड़बड़ाती हुई बाहर चली गई थी, जबकि माहिर खुशी से अपने बालों में हाथ फेर कर रह गया। अच्छा सुनो, कपड़े तो दे जाओ, तो ये नीचे गिरा दिए हैं, अब ऐसे ही बाहर आ जाऊं क्या? पीछे से हाँक